मुझे तो हमेशा इस बात का फख्र रहा है कि मैं पूर्वांचल में और ख़ास तौर से आजमगढ़ में पैदा हुआ। हालांकि मैं जानता हूं मेरा बचपन बंबई में गुजरा, वहां के लोग भैया कहते थे, लेकिन मुझको उस पर तो कुछ लोग अपने को थोड़ा अपमानित महसूस करते थे, लेकिन मैं अपने को काबिले फख्र उसको समझता था। और फख्र क्यों ना होता, जिस धरती ने राहुल संकीर्तियान और शिबली नुमानी को पैदा किया हो, उस धरती पर किसको फख्र नहीं होगा? किसको फख्र नहीं होगा कि उसी पूर्वांचल से निकलकर हमारे पुरखों ने मॉरिशस, फिजी और वेस्ट इंडीज के जजीरों को, ट्रिनिडाड, टोगो वगैरह को सिर्फ आबाद नहीं किया, बल्कि आज वहाँ रूलर है और हमसे बहुत अच्छे, हालांकि गरीबी से तंग आकर वो तैयार हुए थे, अंग्रेज़ों ने ले जाकर उस उन जजीरों को आबाद किया था। पूर्वांचल की हमेशा एक ताज़ी और सभ्यता रही है जो मेरे बचपन और नौजवानी तक बिल्कुल ओरिजिनल हालत में मौजूद थी। लंबा अंग्रेजी राज उस तहजीब और सभ्यता को बदल नहीं पाया, बल्कि मुझे अफसोस होता है कि इस जमहूरी जमाने में वो तहजीब और सभ्यता, अब मैं जब आजमगढ़ जाता हूँ तो मुझको उसमें बदलाव नज़र आता है। उसमें मैं समझता हूँ कि बदलाव नहीं होना चाहिए। और किसे फख्र नहीं होगा कि सांप्रदायिकता के दौर में, जब तकरीबन पूरी सोसाइटी को भारत की आधा पागल बना दिया था, उस दौर में पूर्वांचल की धरती ही ने विभूति नारायण राय जैसे आईपीएस को जन्म दिया। मुझको एक बात याद है कि एक बार अयोध्या में कोई प्रोग्राम था, मुसलमान बहुत घबराए हुए थे कि अचानक राय साहब लखनऊ जोन के आईजी बनाए गए, तो मैंने सबसे कहना शुरू किया, यहाँ तक कि अखबारों में भी दिया कि इतना एकदम इत्मीनान रखिए, ये प्रोग्राम मनसूख हो जाएगा। और जिस दिन मनसूख हुआ, उसके एक दिन पहले मैं राय साहब से मिला और मैंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का कि आपको बना दिया है, अब अयोध्या का प्रोग्राम मनसूख हो जाएगा। इसलिए कि ये लोग बिना पुलिस की मदद के कोई हरकत नहीं कर सकते, और अब उनको यकीन हो गया कि पुलिस की मदद नहीं मिलने वाली है। तो मुझे आज भी फख्र है पूर्वांचल में पैदा होने का, मुझे फख्र है अपने आजमगढ़ ज़िले पर भी कि इस तूफान में जो 1917 के चुनाव में था, आजमगढ़ उससे बिल्कुल महफूज रहा और वहाँ की 10 विधानसभा सीटों में धार्मिक उन्माद पैदा करने वालों को एक सीट मिली, बल्कि उसको आधी कही है, इसलिए कि वो भी उनका आदमी नहीं था, टिकट की वजह से हो गया था और 1500 वोट से वो जीत गया, और 9 सीटें सांप्रदायिकता तो नहीं जीत पाए। तो इन शब्दों के साथ मैं कहता हूँ कि हमको, मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन लोगों ने यह कार्यक्रम किया कि अपनी सभ्यता ओरिजिनल, अपनी सभ्यता और तहजीब को बनाए रखना बेहद ज़रूरी है, और ये जो प्रोग्राम है उसकी एक कड़ी है। शुक्रिया।